स्तोशी ऐप में जो हमने OEX का जो टोकन अर्न किया था, ये जो टोकन है अब लिस्ट होने जा रहा है मैक्सी ग्लोबल पे। देखो इन्होंने तीन एक्सचेंजेस के बारे में बताया था कि हम अपना ये जो OEX टोकन है इसको हम लिस्ट करेंगे तीन एक्सचेंजेस पे। तो अब एक एक्सचेंज पे इसकी जो लिस्टिंग है वो कन्फर्म हो चुकी है, बाकी आने वाले दिनों में आप देखोगे कि दो मजीद एक्सचेंजेस पर भी इसकी जो लिस्टिंग है वो होगी। तो अब इसकी मैक्सी ग्लोबल पर लिस्टिंग जो है वो कन्फर्म हो चुकी है, और इसमें आपने अपने जो टोकन होंगे वो कैसे क्लेम करने होंगे, कैसे आपने उनको डिपॉजिट करना है मैक्सी ग्लोबल पे, तो वो मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताने के लिए जा रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो आपने जो है मैक्सी ग्लोबल को ओपन कर लेना है, और अगर आप वॉलेट के ऊपर टैप करोगे और उसके बाद ऊपर आप जो है डिपॉजिट के ऊपर टैप करोगे तो इसमें आपको जो है OEX का जो एड्रेस होगा वो मिल जाएगा। अगर आप जो है यहाँ पे सर्च करोगे OEX तो इस तरीके से ये जो ऊपर आपको OEX टोकन होगा वो देखने को मिलेगा। तो आपने इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद देखो ये जो टोकन है कोर नेटवर्क पे है, तो आपको नेटवर्क जो होगा वो देखने को मिलेगा और ऊपर आपको मिलेगा टैप का ऑप्शन। जब आप इसके ऊपर टैप करोगे तो जो आपका एड्रेस होगा वो जनरेट हो जाएगा। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपने इसको स्किप करना है, उसके बाद आपने इस एड्रेस को कॉपी करना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद देखो आपने इनकी जो एप्लीकेशन है OEX एप्लीकेशन उसमें आपने जाना है। एड्रेस कॉपी करने के बाद देखो आपने इनकी जो OEX एप्लीकेशन होगी इसको आपने ओपन कर लेना है। अगर आपने इसको अभी तक अपडेट नहीं किया तो आपने इसको एक मरतबा अपडेट कर लेना है। उसके बाद देखो आपने इसमें अपने जो टोकन होंगे उनको आपने कैसे क्लेम करना है, कैसे आपने अपने जो टोकन होंगे इनको आपने मैक्सी ग्लोबल पे सेंड करना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपने जो टोकन होंगे उनको आपने कैसे क्लेम करना होगा, तो इसके लिए देखो आपको नीचे मिलेगा हब का ऑप्शन, तो आपने हब के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपको मिलेगा एयरड्रॉप का ऑप्शन, तो आपने एयरड्रॉप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद देखो अभी इसका जो क्लेम है वो ओपन नहीं हुआ, तो जैसे इसका क्लेम ओपन होगा आपने अपने जो टोकन होंगे इसमें क्लेम करने होंगे। टोकन को क्लेम करने के लिए हो सकता है आपको कोर में कुछ गैस फीस जो है वो चाहिए हो, तो ये भी आपने पहले से अपने इसी के अंदर जो है वो डिपॉजिट करके रखनी है। तो जैसे इसका क्लेम स्टार्ट होगा और आप अपने जो टोकन होंगे इनको आप क्लेम करोगे तो ये जो टोकन होंगे वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपने इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद देखो आपको ऊपर मिलेगा सेंड का ऑप्शन, तो आपने सेंड के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे सेंड के ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद देखो आपने अपना जो एड्रेस होगा ये ऊपर लगाना होगा, जो आप मैक्सी ग्लोबल से अपना एड्रेस कॉपी करोगे वो जो एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पर लगाना है। तो इस तरीके से एड्रेस आपने लगा के उसके बाद नीचे आपने इसको मैक्स कर देना है। जितने भी आपको टोकन मिलेंगे क्लेम करने के लिए उनको आपने मैक्स करना है, और उसके बाद आपने सेंड के ऊपर टैप करना है। तो जैसे आप सेंड के ऊपर टैप करोगे ये जो टोकन होंगे वो आपके सेंड हो जाएंगे और ये आपको आपकी मैक्सी ग्लोबल पे मिल जाएंगे। इस तरीके से आपने अपने जो टोकन होंगे इनको आपने सेंड कर देना है मैक्सी ग्लोबल पे, और इसी तरीके से आप अपना जो विड्रा है वो मैक्सी ग्लोबल पे कर सकते हो। बाकी इसका जो टोकन है मजीद दो एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा आने वाले दिनों में। इसकी जो भी अपडेट वगैरह होगी तो वो मैं आपको अपने टेलीग्राम में जो है वो बता दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि बाकी इसकी जो भी अपडेट वगैरह होगी तो वो मैं आपको अपने टेलीग्राम में जो है वो बता दूंगा।